हाय गाइस, आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और हम आज जा रहे हैं मायापुरी, जहाँ पे है गाड़ियों का अड्डा और हमारे होंडा सिटी वाले भैया वो खड़े हुए हमारे इंतज़ार में। वो मेरे को मेरे ऑफिस लेने आए हैं। देख रहे और भाई पारी, लेट्स गो टू मायापुरी। हेलो, तो आज वो खड़ी हमारी i20 और ये पाजी। बड़ी जल्दी नहीं आ गया, सॉरी यार पाजी, ऑफिस में काम था। अच्छा हाँ, चलो लेट्स गो टू मायापुरी। तो आज ये रही हमारी i20, आज हम इसमें चलेंगे मायापुरी। भाई ये रही हमारी गाड़ी मायापुरी। लेट्स गो टू मायापुरी। ये तो गाइस हम निकल चुके हैं, काफी एसी। हाँ बिल्कुल मालिक। तो गाइस देख लो, अंडर सिटी का एसी भी कर, ओ सॉरी i20 का एसी हो गया चालू एकदम लबालब और हम निकल चुके हैं। ये चिल्ड मयूर यार फेस 3 से निकल रहे हैं हम जाने के लिए मायापुरी। मायापुरी जिंदाबाद, मायापुरी। इसे क्या हो गया बहन, क्या ज्यादा कूलिंग नहीं कर रहा? गर्मी है ना यार। हाँ ये भी है, गाड़ी धूप में खड़ी हुई थी। हाँ थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अरे गाइस देख लो, एसी हो चुका है चालू, हम निकल चुके हैं। पाजी इसका एसी क्यों नहीं चल रहा? चलेगा यार, चलेगा यार, कभी कभार करता है यार। 3 दिन तक खड़ी हुई थी धूप में यार। अच्छा जितने मर्जी कहो यार, करवाएंगे एसी के बिना गुजारा नहीं है, गाड़ी से महंगा थोड़ी ना होगा। सही बात है, चलो भाई नया एसी डले जो मर्जी डले भाई आज ही करो। तो भाई थोड़ा डिले करते हैं। होंडा सिटी में भी आवाज आई थी, उसमें फिस फिस की आवाज आती थी जब एसी खराब हुआ था। अच्छा जी, तो यार इसका समझ में नहीं आ रहा एकदम से कैसे हो गया। वह i20 तुझे क्या हो गया भाई, तेरी कैसे चीखें निकल गई? धक्का दे भाई मायापुरी को, आज पहले एसी का करवा। तो भाई चलो मायापुरी करते हैं स्किप और चलते हैं सीधा पहले सर्विस सेंटर और पता करते हैं कि दिक्कत क्या आई है और सीधा आपको मिलते हैं वहाँ पे। 3, 2, 1। तो गाइस फाइनली हम पहुँचने वाले हैं इस गाड़ी के मंदिर पे, जहाँ पे होगा इसका इलाज। और गाइस देखो वो रहा शोरूम, और अभी हम जाके उनसे पता करेंगे कि गाड़ी में क्या दिक्कत आई है जो इसका एसी काम नहीं कर रहा है, मायापुरी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। हो गया, हो गया समझो, लंबा चौड़ा काम हुआ, देखो शायद कैंसिल ना हो, मगर काम तो कराना ही है। गाइस देख लो सामने से आते हुए लड्डूर इंसान। ये देखो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने अड्डे पे। देखो गाइस वो, देखो गाइस नई वाली खड़ी हुई है, क्रेटास क्रेटास ही क्रेटास, किसी को लेनी है इन पे स्टॉक बहुत है, आ जाना लेने। देखो गाइस कोना भी खड़ी है ऊपर, कोना कोने में खड़ी हुई है ऊपर बोरी। बताओ गाइस देख लो भाई साहब सर्विस ऐसी न जाने कैसी। गाइस देख लो गाड़ी हमारी आ चुकी है शोरूम में और अभी इसके अंदर चेक करेंगे कि इसके एसी में क्या दिक्कत आ रही है, या तो हमें लग रही है या वाकई में कोई दिक्कत आ रही है, तो भी भैया चेक करके हमें बताएंगे। भैया अभी वो हमें गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, फिर वो हमें बताएंगे। हमारी गाड़ी का काम हो चुका है चालू और अभी चल रही है हमारी गाड़ी की इंस्पेक्शन, जिसके अंदर सारी चीज़ें गाड़ी की चेक करी जाएंगी। जैसा कि हम यहाँ पर ही हैं तब भी एक बार ही पूरा सा होता है, इसके अंदर पूरा ये चेक करेंगे एक बारी, और उसके बाद जो भी अभी गाड़ी के अंदर दिक्कत होगी वो बनाई जाएगी। और जॉब कार्ड पहले बनता है गाड़ी का, उसके बाद चेक किया जाएगा कि गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों एसी इसका काम नहीं कर रहा, और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें गाड़ी का काम इसका कैसे करवाना है नहीं करवाना। तो इस चीज़ के लिए आपका कोई चार्ज नहीं है, आप आ सकते हैं पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख लो भाई सर्विस एक बार फिर से बहुत अच्छे तरीके से
आपके सामने होती थी, जो देखो सारी चीज़ों की फ़ोटो वगैरह ली जाएगी कि कल को कोई ऐसा डाउट ना रहे। देख लो तो मायापुरी तो हो गया हमारा आज का, कैंसिल आज हम कराने आ गए यही काम। देख लो तो भाई, देख लो काम हम कुछ कराने आए हैं। देख लो सारी चीज़ें फिर भी चेक हो रही है गाड़ी की, और इस प्रोसेस में गए कम से कम 4-5 घंटे हमारे को लगेंगे, भैया ने हमें पहले ही बता दिया, पर हम ये काम आज पूरा करा के ही चलेंगे। देख लो आज पूरी गाड़ी की फोटो शूट हो रहा है कि मतलब भाई गाड़ी के अंदर जो भी है डेंट वेंट जितने भी हैं सब उसी के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगे, हर एंगल से गाड़ी की फ़ोटो ली जाएगी कि बाद में कंपनी वालों को दिक्कत ना हो और ना कस्टमर को दिक्कत हो। ये खड़ी हमारी गाड़ी, इसका पूरा काम होगा। देख लो एक एक एंगल से, एक एक जगह से, सारी जगह से गाड़ी की फ़ोटो ली जा रही है। और गाइस वो जो लास्ट टाइम पुरुषोत्तम जी हमारे साथ थे वो अभी कहीं ऑफ पे गए हुए हैं, तो इस वजह से आज वो आपको नहीं दिखेंगे वीडियो में। उनकी जगह प्रवीण भैया हैं हमारे यहाँ पर, पूरी हेल्प कर रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे वो हमारे को। और पूरी गाड़ी गाइस अंदर आने से पहले पूरी गाड़ी सैनिटाइज करी थी उन्होंने, एक एक पार्ट एक एक चीज हर जगह से सैनिटाइज हुई है हमारी गाड़ी की। देखो अगर आपको गीला दिख रहा होगा तो इसी वजह से हुआ है कि पहले गाड़ी पूरी सैनिटाइज हुई है। ये देखो गाइस अंदर से डोर हैंडल भी हुए थे, स्टेयरिंग भी होता है, वो देख लो गाइस सीट पे आपको निशान थोड़े बहुत दिख जाएंगे, तो पूरी सैनिटाइज हुई है पहले। तो बाकी गाइस देख लो काम चल रहा है हमारी गाड़ी का एकदम, और आज थोड़ा सा वर्कशॉप भी खाली खाली था तो हमें उम्मीद है हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। देख लो गाइस तो ये सनराइज हुंडई में आपको सर्विस बहुत अच्छी मिल रही है, देख लो ये हमारी गाड़ी। देखो सारी चीज़ें हो चुकी है, इसे इंस्पेक्शन ही बोलते हैं गाइस, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ अ इंस्पेक्शन जो भी ये चल रहा है। और देखो भाई गाड़ी का एक एक डोर हैंडल, सारी चीज़ें पहले अंदर आने से पहले सैनिटाइज हुई है। तो प्रवीण भैया हमारी पूरी हेल्प कर रहे हैं सारा काम करवाने में। तो भाई हम आपको फुल प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि कैसे शोरूम में सारा काम होता है, कैसे होता है। देख लो अब हो चुकी है अंदर से इंस्ट्रक्शन चालू, सारी चीज़ें गाड़ी को चेक होंगी। सारे पीछे वगैरह सारी चीज़ें चेक करके होती सारी चीज़ें चेक करना। देख लो पीछे के आगे के सारे डोर लॉक वगैरह अगर कोई दिक्कत आ रही है कहीं पे भी तो ये हमें अभी बता देंगे। एक एक बटन चेक हो रहा है, एक एक सारी चीज़ें चेक हो रही हैं गाड़ी की। तो इस शोरूम में देख लो यही सब चीज़ें होती हैं जो आपको सर्विस मिलती है। इसी चीज़ का बेनिफिट होता है कि आप बाहर से कराओ या शोरूम से कराते हैं। देखो भाई अब इसी चेक हो रहा है उस गाड़ी का। गाड़ी का चालू नहीं हो रहा, पता नहीं अभी देखते हैं इसके अंदर क्या इश्यू आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। अभी हमारे को सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। तो भाई गाड़ी जा रही है हमारी चेक होने के लिए, और देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या दिक्कत आ रही है, तो इसका इश्यू काम नहीं होता। देख लो पिछली बार की तरह जैसे गाड़ी को पूरा सा कवर किया जाएगा।
देख लो भाई, पूरी गाड़ी थी एकदम ध्यान रखती है जिससे वो गंदी ना हो। एकदम बढ़िया तरीके से गाड़ी की सीटें ढक दी गई हैं जिससे कुछ भी गंदा ना हो। बाकी चलते सीधा प्रोसेस की तरफ, काम स्टार्ट हो रहा है गाड़ी के एसी का। कुछ मशीन है उसको चेक किया जाएगा। तो वह जो कुछ मशीन है उसके अंदर वो लगा के चेक कर रहे हैं और वो हमारे कूलिंग कॉइल के अंदर लग चुका है। तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि हमारे काम में दिक्कत आए, बाकी दूर खड़ो के हम उसकी चीज करेंगे। जो भी होगा जैसा भी होगा प्रोसेस मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे हो रहा है। देख लो हमारा जॉब कार्ड बन चुका था, जब तक मैं आया सारा काम हो चुका है गाड़ी में। जो भी कुछ खुलना था भैया ने खोल दिया है, काम बिल्कुल भी डिले नहीं हो रहा, सुपर स्पीड से काम हो रहा है। और गाइस देख लो तो फाइनली हमारी गाड़ी में ना कूलिंग कॉइल का इशू आया था, तो उन्होंने बोला वो रिप्लेस होगी। तो इतने मैंने जॉब कार्ड अपना बनवा लिया, पूरी गाड़ी का डैशबोर्ड खुल चुका है और एक इसका देख लो गाइस पूरा डैशबोर्ड निकल रहा है इसका, और कूलिंग कॉइल चेंज होगी आज इसकी। ये देखो ये फाइनली गाइस अब इसकी कूलिंग कॉइल निकलेगी और वो रिप्लेस होनी है। इसमें तो काफ़ी सारी तारें भी निकली हैं, अनुपना पता नहीं किस किस चीज़ों की निकल रही है। लाइट मैं तो निकलवाई सिर्फ लाइटों की है ना वो। हाँ और किस चीज़ की तो नहीं है, निकलवानी है तो निकलवा, अभी निकल जाएगी। एक बार दिखा दोगे? हाँ ये भी लाइट, एक लाइट वो एक लाइट तो आपकी खराब ही है। नहीं ये खराब, अरे हाँ एक फ्राजर की खराब है। देख लो गाइस वो जो लाइट आती थी वो यहाँ लगी हुई थी, वायरिंग का लटकी हुई है, वायरिंग दिख रही है ना इतनी सारी। अच्छा ये हाँ, अरे ये तो उन्होंने गांठ मार दिया यार, वरना बहुत है ये तो। ये लाइटिंग की नहीं लग रही यार, हैं ये लाइटिंग की नहीं है, ये स्पीकरों की वायरिंग लग रही है। स्पीकरों की तो है नहीं, तो आती है हमारी तो इसमें। यार समझ ही नहीं आ रहा क्या दे रखा है। ये हटा दो ना, लाइटों की छोड़ दे दो, ये हटा दो। हाँ ये हटा जो एक्स्ट्रा है सब हटा ही देना, चेक कर लेना इसमें कुछ कनेक्शन तो नहीं है। कभी अर्थिंग ले एम्प वगैरह लगवा रखा है क्या? ना 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 पहले एम्प लगा, हां तो उसी के बारे हटा देता हूं, पहले उसमें लगवा रखा है फायदा देना हटा। तो गाइस देख लो जितनी भी एक्स्ट्रा वायरिंग है समझ जाएगी। और गाइस हमने ये काम सोचा था करवाने की, मगर हमने बाहर से ना करवा के हमने फिर से सनराइज में ही आया करवाने के लिए ये काम। और काम एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है गाइस, देख लो एक इंटी का पूरा खुला हुआ कैसा लगता है। तो गाइस ये रही इसकी कूलिंग कॉइल, सेंट्रो जैसी नहीं है इसका कोई सिस्टम कि लगे लगे में निकल जाए, इसके लिए पूरा डैशबोर्ड खुलता है। तो
हुआ है। जब तक ये जॉब कार्ड बन रहा था सारा प्रोसेस दो भैया ने मिलके पूरा खोल दिया, तो हमारे को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। देख लो गाइस कंडीशन एकदम ओके है। कूलिंग कॉइल वहाँ पे बीच में है कहीं पे, वहाँ से निकलेगी। और उससे पहले यहाँ से एक नट लूज़ हुआ था इसका पूरा, बाहर से एक यहाँ से नट लूज़ हुआ था, तब जाते हुए अंदर से बाहर निकला था। तो भाई अभी देखते हैं इसकी कूलिंग कॉइल में क्या क्या दिक्कत आई है। तो भैया ने जैसे हमें बताया इसकी कूलिंग कॉइल और एक वॉल चेंज होगा कोई, तो दो चीज़ें चेंज होनी है गाड़ी में। ये देखो गाइस हमारी गाड़ी स्पोर्ट्स मॉडल है, क्लाइमेट कंट्रोल एसी है इसके अंदर पूरा, आपने देख ही रखा है। देखो गाइस सिस्टम बोला जाएगा इंजन फिटेड जो आता है। और गाइस इस गाड़ी में हम बहुत जल्दी प्रोजेक्टर लगवाने वाले हैं, कल हम प्लान भी कर कर आए हैं, सोच भी रहे हैं। तो अभी सोच विचार चल रहा है, अगर डन होता है तो इसके अंदर हम प्रोजेक्टर भी लगवाने वाले हैं। तो गाइस ये पड़ा सारा सामान इसका जो जो निकला है इसमें से। और वो गाइस बोरी कूलिंग पॉइंट वहाँ पे, तो अभी भैया निकाल रहे हैं उसे, निकलेगी वो। तो गाइस यही फायदा रहता है आप कंपनी में काम करवाते हो तो पूरा अच्छे तरीके से काम होता है। देख लो पूरे सीट्स वगैरह अच्छे से सब सारी चीज़ें ढक रखती है। ये हमारी गाड़ी का स्टेयरिंग पड़ा हुआ देख लो गाइस, एक एक चीज एक एक प्रोसेस गाइस आप अच्छे से देख लो। ये देखो गाइस यहाँ से कुछ लीक वगैरह कर रहा है, ये कुछ और ही है। दो भैया हमारी गाड़ी में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करके देने के उन्होंने कहा है हमारे को देंगे, गाड़ी एकदम हो जाएगी नई जैसी, जैसा उसका नया एसी काम करता था बिल्कुल। तो जैसा कि हमें पता था कि शायद हमारी गाड़ी यहाँ से शक्ति दी, पर ऐसा नहीं है, गाड़ी हमारी एकदम ओके रिपोर्ट है। अरे गाइस पहली दफ़ा ही खुल रहा है इसका डैशबोर्ड, इससे पहले कभी खुला नहीं है। बाकी भैया लगे हुए हैं, तो है कूलिंग कॉइल जो उसकी फिट थी वो यहाँ थी, देख लो आप बिना डिस्टर्ब करें भैया को। कितने प्यार से और कितनी
चीज़ों को देखो ध्यान से एक चीज करके आपने देखा ही था हमारी आइटम वाली वीडियो में, हमने बाहर से कूलिंग कॉइल चेंज कराई थी और कैसी प्रोसेस से उन्होंने चेंज करा था, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने में पता चल जाएगी कि शोरूम से और बाहर से कराने में कितना फ़र्क होगा। ये मतलब भाई ये रही हमारी कूलिंग कॉइल फाइनली। ये देखो भाई ये लीकेज है, अगर इसके ऊपर पानी आ रखा है तो ये लीकेज होता है, और ये पानी नहीं होता ये ना ऑयल होता है जो इसे सराउंडिंग में आ रखा है। और देखो ये इसकी दूसरी तरफ से कंडीशन है, एकदम ख़त्म कंडीशन में है। तो ये बताया था कि ये चीज़ हमारी नहीं डलेगी, और ये देखो अगर आपको जस्टिफाई हो जाए तो यहाँ से ऑयल लीक हुआ था, मतलब यहाँ से भी ऑयल लीक हो ही रहा था, तो वो यही कह रहे थे जो एक बॉल चेंज होगा और एक आपकी कूलिंग कॉइल चेंज होगी, तो ये वही चीज़ है। और बाकी जो उसके अंदर वो नीचे वाली मैंने आपको दिखाई थी ये वाली, वो हीटिंग कॉइल होती है भाई। कूलिंग कॉइल और हीटिंग कॉइल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों में एक नहीं होती है। दूसरी तरफ से देखते चलते हैं, देखते हैं भैया कैसे काम कर रहे हैं। देख लो गाइस फाइनली हमारी कूलिंग कॉइल आ चुकी है बाहर, और वो देखो गाइस ये हमारी गाड़ी में एक्स्ट्रा वायरिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो भैया उसे हटा देंगे। जो भी हमारी गाड़ी में एक्स्ट्रा, पहले इस गाड़ी में एम्प लगा हुआ था फिर वो हमने हटा दिया था, तो वो हटाने के बाद जो वायरिंग थी वो नहीं हटवाई थी, तो इसलिए हम वो हटवा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ अर्थिंग ले रही हो और बैटरी से डाउन हो सकती है हमारी गाड़ी की। तो प्रदीप भैया ने हमें कह दिया था जो भी एक्स्ट्रा वायरिंग होगी वो हटा देंगे, और सारी चीज़ें गाइस यहाँ पे पूछ के की जाती है, ऐसा नहीं होता कि बिना पूछे कोई चीज़ होगी। सर्विस भी हमारी गाड़ी की यहीं से ही हुई थी, और देख लो गाइस इसकी कूलिंग कॉइल का भी काम हम यहीं से ही करा रहे हैं। देख लो गाइस सारी चीज़ें एक एक चीज़ देख लो भाई, सारी चीज़ें कवर हैं। हमारे साथ दो भैया यहाँ लगे हुए हैं जो हमारा पूरा काम कर रहे हैं गाड़ी का, ये देख लो भाई। तो गाइस ये थोड़े से हमारे एम्प वगैरह थे, तो ये उनकी वायरिंग हो रखी है, भैया इन्हें हटा देंगे। देख लो ये अंदर से है गाड़ी, तो भैया इसमें कोई ऐसा पार्ट तो नहीं होगा ना गाड़ी इसमें वॉश वगैरह होना? नहीं वॉश वगैरह तो नहीं होना। तो भाई देख लो जैसे हमने अपनी गाड़ी में पहले वॉश वगैरह भी कराया था, तो इसकी इसमें नीड नहीं है, भैया मना कर रहे हैं कि नहीं होगी, बाकी अपनी तरफ से वो बेस्ट टू बेस्ट ही कर देंगे, हमारे को कोई इशू नहीं है। देख लो फाइनली ये पार्ट निकल चुका है, और गाइस कोई डरने वाली बात नहीं होती है, कुछ कार लवर्स को ये रहता है कि भाई हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा तो दिक्कत आएगी, जो थोड़ा सा हमारे को भी मन में शुरू में चल रहा था कि नहीं यार डैशबोर्ड नहीं खुलवाना, हम गैस चलवा रहे थे चला रहे थे पर वो गैस ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई, तो उसके बाद हमने फाइनली डिसाइड करा कि हम अपनी गाड़ी की कूलिंग कॉइल चेंज कराएंगे ही कराएंगे। और जैसा कि आपने देखा था आज हमारे को शूट के लिए जाना था मायापुरी, पर हमने वहाँ से स्किप कर दिया, तो गाइस पहले गाड़ी ओके होने चाहिए उसके बाद ही हम कहीं जाएंगे। और गाइस एक एक पार्ट देख लो आप, एकदम साफ है एकदम क्लीन है, बस इसके अंदर डस्ट आ रखी है
डस्ट के अलावा कोई दिक्कत नहीं है। एक एक पार्ट इसका आज भी नया ही है, ज़्यादा पुरानी नहीं है गाइस हमारी गाड़ी। ये देखो गाइस, और गाइस ये देखो, ये होती है हीटिंग पॉइंट। जब हमारी सर्दियों में गाड़ी में हीटर चलता है तो वो इसी से ही चलता है। तो गाइस वो रेयरली ख़राब होती है, कूलिंग कोई ज़्यादा ख़राब होती है। तो ये चीज़ें शायद आपने देख रखी होंगी। तो भैया गए हुए हैं गाड़ी की कूलिंग कॉइल लेने के लिए। ये कंडीशन है गाइस कूलिंग कॉइल की, जैसे आप एक बार देख लो, और अभी नहीं आएगी तो भी आप पता चलेगी गाइस। बाकी इधर देखो, यहाँ पे चीज भी है, इधर चीज पता नहीं इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। देखो गाइस फाइनली आ चुकी है हमारी कूलिंग कॉइल। गाइस देख लो, ये होती है जेन्युइन टैगिंग जो आती है। देख लो भी रेट भी लिखा हुआ उसके ऊपर। और गाइस ये वाली जाली अगर किसी गाड़ी में लगी हुई हो, भैया की तरफ से रिकमेंडेड है ये, मतलब माना इससे ना डस्ट पास हो जाती है। और इसकी जगह दूसरी आ चुकी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी वाली रिकमेंडेड है। ये देख लो गाइस फाइनली कूलिंग कॉइल ये रही हमारी। ये देख लो गाइस, ये रहा इसका डब्बा। ये देखो गाइस, ये वाली रिकमेंड है भैया की तरफ से कि आप इस वाले पर लगवाएंगे तो आपकी कूलिंग कॉइल पर कम इफेक्ट पड़ेगा इसकी वजह। ये देख लो, तो आप यही वाली लगवाना एकदम। देख लो पूरा, देख लो एकदम बंद है गाइस। जो भी आपको जेन्युइन वेन्युइन बोलते हैं मत लगवाना बाहर से, जेन्युइन नहीं होती और वो ज़्यादा दिन चल भी नहीं पाती, दिक्कत देती है। और कोई इसके अंदर सील आनी थी वो भी आ चुकी है। और गाइस भैया ने हमारा कर दिया एक बहुत ही बढ़िया काम, जो हमारी गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा वायरिंग सारी निकली हुई थी ना, एम्प वगैरह की और जितनी भी थी, भैया ने सब हटा दिए हैं और उनको बंद कर दिए हैं। तो देख लो भाई वहाँ पे भैया कर रहे हैं सारी चीज़ें, और एक्स्ट्रा वायरिंग सारी निकाल दी है गाइस। देख लो सारी भैया ने वायरिंग, एक्स्ट्रा वायरिंग जो थी सब निकाल दी है। और गाइस पूरा बंडल का बंडल होता है ना, आप ये मान लो वो निकला है इसमें से। यही होता है भाइयों के हाथ में गाड़ियाँ दे दो ना, तो उन्हें लगता है बस उस गाड़ी की लंका लगा दो। एम वैम तो हमने निकाल के फेंक दिए थे, ये देखो गाइस। और गाइस इस चीज़ का सबसे ज़्यादा गंदा इफेक्ट ये है, जो उन्हें नहीं पता था कि अब इस चीज़ की वारंटी ख़त्म हो चुकी है। अगर खुदा ना खास्ता कभी इसमें कोई दिक्कत आ गई तो देखो कोई कंपनी वाले इसकी वारंटी आउट हो चुकी है, अब कोई इसका अंडर वारंटी नहीं है। तो गाइस इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखें, आप कोई भी गाड़ी ले रहे हैं जब तक आपकी वो अंडर वारंटी है, आप कोई भी ऐसी एसेसरीज गाड़ी में ना लगवाएं जिससे आपको कोई दिक्कत आए। तो अभी इसके अंदर गाइस फिटिंग भी करेंगे भैया, सेंट्रो आइटन होंडा सिटी सबकी वीडियो आप देख चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास आ गई थी आज i20 एलीट का भी आपको देखने को मिलेगा। और गाइस इससे सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ता है कि गाड़ी अगर अर्थिंग ले रही हो तो बैटरी ना हमारी ड्रेन आउट होती रहती है, खड़ी गाड़ी में आपकी बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगी अगर कहीं से भी अर्थिंग लेगी। तो भैया ने इसलिए एक एक तार जोड़ के ढंग से उसको, अब देखो उसकी टेपिंग कर रहे हैं कि कोई तार कोई सी तार से चिपक ना जाए, तो शॉर्ट सर्किट का भी इशू आ सकता है। तो देख लो गाइस कितनी सारी तार है इसके अंदर। तो गाइस ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, और ये गलती हमने भी नहीं की है, ये हमारे भाइयों ने करी है। मैंने थोड़ी अभी नॉलेज करना, मगर कोई बात नहीं। तो देख लो भाई बस थोड़ी देर में हमारी फिटिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। कूलिंग कॉइल हमारी ये रखी हुई, देखो ये एसी केबिन का फिल्टर है, तो अब हम ये नहीं लगवाएंगे। और देख लो भाई, ये अभी भैया उतारेंगे तो मैं आपको तब दिखता हूँ। एकदम पूरा अच्छे से काम चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। और गाइस रेट का भी डिफरेंस हम आपको अभी बता देंगे, पहले एक बार ही काम सारा हो जाए। बाहर का आपने देख ही चुका है आइटन के टाइम पे कि कितने की हमारी लगी थी, और इसका भी हम आपको दिखा देंगे कि इसमें हमारा कितना एक्सपेंस आ रहा है टोटल। तो गाइस जो बेयरिंग डलना था वो ये रहा, देखना एकदम जेन्युइन पार्ट का चीज देखें। पानी ये लो देख लो, तो गाइस देख लो ये बेयरिंग है,
जो डलना है तो आज इसकी ज़रूरत लग रही थी, इस वजह से भैया ने कहा कि मैं डाल ही देता हूँ। बाकी कूलिंग कॉइल ये रही और जो सारा सामान डलना है वो ये है, गाइस देख लो उसमें हर चीज़ पे MRP है। और ये हमारी गाड़ी की पहले कैबिन फिल्टर और ये नया डलेगा। तो गाइस हम इसे रख देते हैं इंजन ही। तो बस सिर्फ और सिर्फ टाइम लग रहा है, जो वायरिंग भैया कम ख़त्म कर रहे हैं बंद कर रहे हैं, देख लो सारी चीज़ें एकदम आराम आराम से हो रही है, कोई जल्दबाजी में नहीं है। और फिर भी हमारा काम काफ़ी जल्दी हो रहा है, काफ़ी स्पीड से करा भैया लोगों ने मिलकर। सारी हमारी वायरिंग टेप एकदम ये देखो यार, ये सारी छिली पड़ी थी, निकली पड़ी थी। हमारी गाड़ी में जो सर बैटरी की दिक्कत आई थी वो इसी की वजह से भी हो सकता है, ये जो हमने चेंज करवाई थी सर। देख लो गाइस ये वही काम है जो बाहर का बंदा आपको शायद ना बताता और ना ही करके देता, पर अगर आप शोरूम में करा रहे हैं तो अगर आप नहीं भी हैं तो भी आपका काम ऐसा ही होता है। और देख लो गाइस टेपिंग कितनी ही ज़बरदस्त की है, ये आपके सामने है। यही सर्विस है जो हमारे को संडे संडे में मिली है, तभी हम दोबारा से यहाँ पर आए हैं काम कराने के लिए। लक्ष्मी नगर में है ये मदर डेयरी के पास। देख लो भाई फाइनली काम हो चुका है, एकदम जबरदस्त तरीके से हो गया। फिर अब भैया उनको उसके अंदर लगा देंगे उनके कपलर टू कपलर। खाना कहाँ पे खाता है? ऊपर खाऊंगा। हैं? कैंटीन में? हाँ मेरा, मैंने भी मंगाई है एक प्लेट, पैसे दिए हैं उसको, कैंटीन में ले लूँगा सर। तो देख लो भाई एकदम बढ़िया तरीके से लग चुका है। टाइम आ चुका है जब हमारी नई कूलिंग कॉइल लगेगी इसके अंदर। देख लो गाइस फाइनली फिटिंग हो जाएगा, आप देख लो। कूलिंग कॉइल हमारी लग चुकी है और ये हमारी हीटर कॉइल, ये भी शायद लगेगी। वो वाली शायद ले जा रहे हैं, देख रहे हैं ये देखो भाई। इसके अंदर से ये जो भी था कूलेंट और मेरा था मेरी वो भैया ने निकाल दिया कि जिससे वो अंदर ना टपके, और अब हम इसे लगा देंगे ना। मेन वाइज भैया ने हमारी इसकी फिटिंग कर दी एकदम बढ़िया तरीके से, और अब टाइम आ गया इसका लगने का, हीटिंग कॉइल का भी। तो हमारी हीटिंग कॉइल भी भैया ने लगा दी। अगर कभी आप बाहर से भी गाड़ी का काम कराएं तो भी इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें कि फिटिंग एकदम अच्छे से हो, क्योंकि इस पर ज़रा सी भी दिक्कत का मतलब ये है कि पूरा काम ख़राब हो जाना। तो
तो भाई देख लो एकदम सुपर सर्विस मिली है हमारे को, काम बहुत बढ़िया तरीके से बहुत स्पीड अप करके भैया लोगों ने करा है। तो अभी भैया लोगों का लंच हो गया है, तो फिर भी वो हमारे काम में लगे हुए हैं, थोड़ी देर में भैया लोग चले जाएंगे लंच करने। एकदम जबरदस्त तरीके से फिटिंग कर दिया है, होने से ना अंदर हवा का फ्लो कम हो जाएगा। अच्छा, ये फोम यहाँ पर अटक जाएगी, एयर का फ्लो कम हो जाएगा। तो भाई देख लो अगर कभी ऐसे ये फोम वगैरह दिखे तो आप हटवा लेना, क्योंकि इससे जो हवा का फ्लो है वो आपके पे ही इफेक्ट कर सकता है एसी इवेंट से, तो इसलिए हमने भी वो हटवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी शोरूम में कोई चीज़ काम हो रहा है तो गाइस वर्थ ही होगी इसकी। गाइस फाइनली देख लो ये बैटरी वाली गाड़ी है कोना, इसकी भी शायद सर्विस होने के लिए यहाँ पे आ रखी है। गाइस देख लो इसका भी काम चल ही रहा है, बहुत रेयर ही अभी तक ये गाड़ी देखने को मिल रही है किसी को। देख लो हो चुका है भैया लोगों का लंच, मगर वो फिर भी अभी अपनी जो भी फिटिंग वगैरह है ऊपर ऊपर की वो कर रहे हैं, फिर आने के बाद इसको शायद लगाना रह जाएगा। और गाइस जो गाड़ी है हुंडई की कोना, भाई साहब भैया बता रहे हैं इसकी जो एक बार की एवरेज है 350 किलोमीटर है एक चार्ज में, और ये गाड़ी लगभग 23 लाख की है। और भाई ये गाड़ी ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त टाटा की टिगोर और इन गाड़ियों के मुकाबले इस गाड़ी का अभी तक कोई मुकाबला नहीं है। तो भाई लुक वाइज में भी आप देख लो एकदम घमासान लग रही है गाड़ी मुझे भी देखने में, और उससे भी अच्छी बात यह है इस गाड़ी में सनरूफ है, वो देखो ये देख सकते होंगे आप ऊपर सनरूफ भी है इस गाड़ी में, तो ये चीज़ भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसके अंदर। ज़बरदस्त है भाई लोग ये गाड़ी एक चार्ज से 350 किलोमीटर बहुत होता है गाइस, बहुत आगरा आना जाना कर देगी ये गाड़ी नॉन स्टॉप। सही है, तो गाइस बस हमारी गाड़ी की चल रही है फिटिंग, अब इसमें डल रहा गाड़ी का कैबिन फिल्टर जो एसी का फिल्टर होता है। तो भाई चीज़ें आप वही लगाएं जो रिकमेंडेड हो, हमने वो भी लगाए रखा था, हमें वो भी अच्छा ही लग रहा था, मगर कोई बात नहीं अब काम नया तरीके से हो रहा है तो हमने ये चीज़ चेंज करवाई ली। और भाई आज भी देख लो यहाँ पे कोई नहीं है, बड़ी मुश्किल से हमारे को परमिशन मिली है दोबारा से सीट के लिए, जैसे हमारे को लास्ट टाइम मिली थी। तो गाइस पूरा रीफिटिंग का काम चल रहा है इस समय, बड़ी जबरदस्त कर रही है। तो गाइस फिटिंग का काम चालू हो चुका है हमारी गाड़ी का, बाहर से ज़्यादा कुछ नहीं खोला था गाइस, थोड़ा बहुत ही सामान खुला था इसका, बाहर से इतना टाइम नहीं लगेगा, अंदर अंदर का मेन टाइम है। ये इस गाड़ी का मिडल कैबिन है पूरा, जिसके अंदर आर्मरेस्ट वगैरह लगा हुआ होता है, देख लो एक एक चेंज सारे सारी एक एक चीज़ देख लो टाइट हो रही है बच्चों से। दोनों भैया लगे हुए हैं बड़े अच्छे तरीके से, एकदम काम बढ़िया कर रहे हैं हमारा। देख लो गाइस इस गाड़ी में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है,
एकदम शांति तरीके से चल रही है, बिल्कुल कोई मोटर की आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है। और ये इसके अंदर DRL ले रखे हैं, मुझे बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। और गाड़ी में नीचे है प्रोजेक्टर लैंप, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लग रही है भाई साहब। देखो भाई गाड़ी में पार्किंग सेंसर भी है, आवाज़ आ रही है। आ जाते हैं अपनी गाड़ी पे। देखो भाई भाई यही है वो लाइट जो रात को हमारी इसमें डोर से कनेक्टेड है, जलती है, यही लाइट है। ये जुड़ गया गाइस बाइक, आगे भी भाई। कोई नई चीज़ है, मैंने पहली बार ही देखी है। कुछ क्लीन करने के लिए भी है? नहीं, ये अंदर चले जाएगा ना आराम से। अच्छा अच्छा, तो भाई देख लो ये चीज़ भी मैंने पहली बार ही देखी है। अपनी आइटम के टाइम पे भी मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा था। चलो गाइस फाइनली गाड़ी वापस अपनी पोजीशन पे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम होते हुए। फाइनली हो चुका है सब कुछ, अब इसके नट बोल्ट कस जाएंगे सारे के सारे। तो भाई देख लो हम आए थे कितने बजे, और अभी 1 बजा है और हमारी गाड़ी की रीफिटिंग चल रही है। तो भाई देख लो सुपर स्पीड से काम होता है, कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपको बोल दिया कि 5 घंटे लगेंगे तो ऐसा कुछ नहीं, कंपलसरी कि 5 ही लगेंगे। अगर आपकी गाड़ी का काम जल्दी होगा तो आपको गाड़ी का काम जल्दी भी करके देंगे। बाकी फुल सेटिस्फेक्शन से काम हुआ है, पूरी गाड़ी उसमें चेक हुई थी मशीन के अंदर, और उसके अंदर शो करा था कि गाड़ी का कंप्रेसर कूलिंग कॉइल में दिक्कत आ रही है, तो फिर हमने उसे कराई दी। बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड वाला काम है कि काम हमारा बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है, कहीं तक हमारे को कोई दिक्कत नहीं लग रही। कि हमें ये लग रहा हो कि नहीं बाहर से ही सही था या हमने यहाँ से नहीं कराना चाहिए था, बल्कि हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि हमारी गाड़ी का काम बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। गाइस यहाँ पे पूरा एसी का और इलेक्ट्रिक का काम होता है भैया ने, इसी वजह से भैया ने हमारा वो सारी चीज़ें सेट कर दी थी। तो गाइस देख लो फाइनली फिटिंग का काम चल चुका है, और गाइस जरा सा भी डैशबोर्ड में कोई गैप नहीं होगा, कोई किसी तरीके की आवाज़ नहीं मिलेगी हमारे को। यही चीज़ें होती है गाइस कंपनी में जो हमारे को मिलती हैं। भैया लोग कस रहे हैं उसे अच्छे से,
पूरा ध्यान रखता है, सारी चीज़ें कवर करते हुए। वो जो एक आपने मेरे को दिखाया था भैया, वो लग गया? नहीं अभी लगा हूँ, वो लगाएंगे? बंद रख दिया मैंने। अच्छा अच्छा, ये रखता हूँ मैं। तो गाइस जो भी लगेगा, आपने कूलिंग कॉइल डलते हुए देख लिया है, ठीक है, और कैबिन फिल्टर भी हमने डलवा दिया, और अभी एक वो जो बॉल था वो डलेगा, वो हम अभी आपको दिखाएंगे जब वो डलेगा। देखो भाई, सुबह हमारी गाड़ी का जॉब कार्ड बन गया था, उसके बाद पूरा प्रोसेस एकदम बढ़िया तरीके से हो गया, तो एक्स्ट्रा काम तो इसमें कुछ ऐसा निकला नहीं। एसी और वॉल, कूलिंग कोयल और वॉल का निकला है। कैबिन फिल्टर तो देखो उन्होंने हमारी सेटिस्फेक्शन पे डलवाया है कि उससे हमारे को ही बेनिफिट रहेगा, तो हमने वो डलवा लिया था। देखो भाई, गाइस कूलिंग कॉइल का काम बहुत ध्यान से होता है, बहुत बढ़िया तरीके से करवाना होता है, तो कोशिश करिएगा कि अगर आप फर्दर कभी करा रहे हैं और आपका बजट अलाउ करता है तो आप शोरूम से ही कराएंगे काम, बाहर से ना ही करवाएं। बाहर से हम लोगों ने भी करवाए हैं, मगर i20 हमारी नई है, तो इसलिए हमने इसका काम अभी शोरूम से कराया है, बाहर से हमने रिस्क नहीं लिया इस चीज़ का। तो अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो आपको भी यही सजेशन है कि आप इसे शोरूम से ही कराएँ। देख लो भाई, गाड़ी में कोई किसी तरीके का जंग नहीं है, मिट्टी भरी है, और देख लो किसी तरीके का कोई जंग नहीं है। बिल्ड क्वालिटी हमारे मेरे हिसाब से i20 में काफ़ी अच्छी है, देख लो कहीं से कहीं पर कोई जंग का निशान नहीं आ रहा गाड़ी में, 2017 मॉडल है हमारी गाड़ी। देख लो भैया, लोगों का लंच हो चुका है, मगर फिर भी वो अपने काम में लगे हुए हैं, वो भी चाहते कि हम थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएं। दोनों भैया देख लो भाई, पूरा वर्कशॉप इस समय एकदम खाली हो चुका है, लंच के लिए गए हैं। देख लो भाई, बाहर वाली फिटिंग भी अंदर हो चुकी है, अंदर वाले का हमारा डैशबोर्ड लग चुका है, उसके सिर्फ नट बोल्ट टकने रह रहे हैं अभी। भैया इसका जो ये शीशा होता है, ये भी नया मिल सकता है क्या? नया शीशा नहीं आता, ये पूरा कंप्लीट ही आएगा नया। पूरा कंप्लीट ही आएगा नया? अच्छा, तो भाई हमारा वो शीशा तो चेंज नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं। ये चीज़ें आपने उतरते भी नहीं देखी, मगर चलो हम आपको चलाते हुए दिखा देते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जॉब कार्ड बन रहा था तो मैं अंदर आ नहीं पाया था। बट हाँ, मेरे को पहले बता दिया गया था वहाँ पे वेटिंग रूम में कि मेरी गाड़ी में क्या इशू आया। तो गाइस आज मायापुरी तो हो गया कैंसिल, मगर कोई बात नहीं, वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे ज़रूर। फिटिंग हो चुकी है एकदम बढ़िया तरीके से, ये रॉकेट बटन लग रहे हैं सारे। गाइस हमारा अंदर भी काम चल रहा है और भैया बाहर से भी निपटा रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा।
भाई सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी गाड़ी में से एक्स्ट्रा वायरिंग निकली है जो इसके पीछे पता नहीं कब से पड़ी हुई थी और हमें पता ही नहीं था। ये देखो भाई कितनी एक्स्ट्रा वायरिंग लगी हुई थी, इन रियर ने सारी चेक करके उनको अलग करके और उसके बाद उसको टेपिंग करके कि वो कहीं से अर्थिंग ना ले और बैटरी डेन आउट ना हो हमारी, तो सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से करती आ रहा है। फाइनली पाइपिंग हो गई है उसके अंदर लग रही है, इंजन भी पता नहीं हो रहा थोड़ा बहुत। देखो भाई एकदम बढ़िया ने उसे टाइट करके लगा दिया करके बोल दिया ऐसे करके हमारा दूसरा पाइप। भाई यहाँ का प्रोसेस मेरे को थोड़ा सा जल्दी भी लगा क्योंकि आइटन के टाइम का आप लोगों को पता है हम सुबह गए थे, शाम को 6 बजे तक ही फ्री हुए थे और उसके बाद उसका जो रिएक्शन था वो भी कोई इतना खास नहीं था, सेटिस्फाइंग नहीं था हमारे को, तो बिल्कुल भी नहीं लगा। मगर हम इस वाले का चेक करके बिल्कुल देखेंगे कि कैसा हमें मज़ा आया। तो है फाइनली दोबारा काम हमारा एक बार चालू हो चुका है और इस मशीन से चेक हुआ था कि गाड़ी में कहाँ दिक्कत है एसी में। तो भाई देख लो बम्पर खुल रहा है, ये वही बम्पर है जिसको हमने रिपेयर करा के चलाया है, हो सकता है ये भी नया लगवा लें थोड़े टाइम में, इंश्योरेंस में चेंज करा लेंगे इसे। देख लो भाई ये क्रैक, ये गैप वगैरह जो होते हैं ये नहीं जा पाते, बहुत ट्राई करके देखिए, बहुत रिपेयर करा के देख लिया। अभी हम भैया से बात करेंगे प्रवीण भैया से, अगर वो कहेंगे कि हाँ हो सकता है ये चेंज इंश्योरेंस में अगर वो करा पाए तो हम ये सारा चीज़ नया लगवा लेंगे दोबारा। मीनवाइल अंदर वाले भैया काम कर रहे हैं, कुछ वहाँ का कुछ प्रोसेस चल रहा है, रॉकेट बटन लगा के फिटिंग वगैरह करके सारा काम। और वो रहे हमारे दिलीप भैया जिन्होंने हमारी गाड़ी की सर्विस रिपेयर कराना पड़ेगा है, अभी चेंज नहीं होता तो बाहर से रिपेयर कराना क्या मैं तो कह रहा हूँ इंश्योरेंस में लेके करा के डाल लो ख़त्म करो यार, अभी यहाँ तो आज तो नहीं दे पाऊँगा ना, अभी हाँ तो आज ही कल परसों में जब भी हो पाएगा तो दे देंगे, क्योंकि भाई नीचे तक वो टाई बेल्टों से लगा पड़ा तो अच्छा ही है ना कि हम इसे करें। अभी जैसे जितना अभी आप फोर रोड डैमेज जितना हो रखा है जो जो डैमेज पार्ट इसमें अवेलेबल है इंश्योरेंस में क्लेम मिल जाएगा, बॉडी क्यों बोले होता है क्लेम डिपार्टमेंट वाला होता होगा। हाँ तो कोई नहीं, अभी बात करके देख लेते हैं कि अगर वो कह देंगे हो जाएगा तो फिर कल ही आके दे देंगे और क्या भाई थोड़ी 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 आ जाएगा इतनी जल्दी नहीं होता ना, मतलब छोड़नी पड़ती है नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ ना छोड़ देंगे ना कल ही छोड़ बाद इंश्योरेंस वाले आएंगे। बम्पर चेंज कराऊंगा, पेंट की कॉस्टिंग तो मुझे देनी पड़ेगी शायद, क्या पेंट के पैसे तो मेरी जेब से लगेंगे ना, ये इंश्योरेंस में होता है ऐसा नहीं, पेंट के पैसे कुछ होता है इसमें मुझे नहीं नॉलेज है, उन्होंने वो बता देंगे क्या दे। तो गाइस देख लो फाइनली मुख्य द्वार खुलने वाले हैं इसके, ये टूटा हुआ है ये रखा मजबूरी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इधर से तो गायब है ये भी टूटी हुई है ना।
ये बैड है कि ये सही करा दिया है। पैदा आदमी हुआ अलग चीज़ है और ये देख रही है रिपेयर कराना और ये डलवाना वो एक अलग चीज़ है। रिपेयर में तो ये होगा कौन से लोग कर देंगे जब तक चल रहा है करवाना देगा नीचे जाके बात कर लो खुले वो देख ही लेगा वो ये बता देगा क्या क्या आ जाएगा आपका। हाँ खुला भी बता देगा वैसे वो कहेगा भाई का काम चालू हो चुका है बस थोड़ा टाइम लगेगा होने में। फिर गेयर को करने देते हैं फिटिंग बम्पर करके रखा हुआ हमारी गाड़ी का तो अभी इसका एक वॉल डलना है देखो वो डलेगा तो हम आपको देख लो ज़बरदस्त वाली फिटिंग आ चुकी है। ऊपर से पूरा डैशबोर्ड सेट हो चुका है एक एक नट एक एक पेंच भैया ने दबा के कस दी है कोई बाहर से प्रोसेस चालू होना
तो भाई ये बीच का पैनल है जो भी लग जाएगा हमारा। थोड़ी सी हमारी वजह से भैया को दिक्कत आ रही है क्योंकि लाइटें जो लगी हुई थी उनके कनेक्शन चालू कर रहे हैं भैया। गाड़ी का अंदर का पूरा काम हो चुका है, जो भी इसका रह रहा है वो बाहर से रह रहा है, गैस बनेगी और उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। जुगाड़ करवा था बंद हुआ रहा था तो चेंज करवाने के लिए। इतनी मुशक्कत के बाद हमारा ये पुराना वाला निकल चुका है, नया वाला करेगा, बहुत टाइम ले लिया इसमें भी। तो यहाँ से कहीं से निकला है नीचे से रखेगा यहाँ से सामने गड्ढा होता है।
वो सामने दे रहा है वो वाला। हाँ भाई देख लो तो वो रहा बहुत आपका माइनर सा हुआ। वहाँ से आए निकल के तो इस वजह से इसमें काफ़ी टाइम लग गया, वहाँ कहीं फिटता। और अभी ये भैया दोबारा लगाएंगे, अभी हमने रूट लगवा रखे थे वरना ये बहुत आराम से भी निकल जाता। तो ये निकला अंदर से, इसकी जगह नया डलेगा। तेल लग जाएगा, अच्छा टाइम आ चुका है नया लगने का। उसके बाद गैस सीधा। फाइनली देख लो वॉल डालने का प्रोसेस पूरा हो चुका है, सारी चीज़ें एकदम। कुछ चीज थी वो भी कर दिया भैया ने। फाइनली नेक्स्ट प्रोसीजर चालू हो गया, वैक्यूम करेंगे भैया। वैक्यूम का पूरा प्रोसेस चालू हो चुका है। अभी गाड़ी में से सिर्फ खाली वैक्यूम हो रहा है, जो अंदर का कूड़ा कचरा टाइप होगा सारा वो आ जाएगा वैक्यूम से। इसमें भैया ने इसका वॉल भी कर दिया है, आगे का सारा काम इसका हो चुका है। फाइनली हमारी गाड़ी का थोड़ा बहुत काम अब रह गया, ऑलमोस्ट सारा हो चुका है। भाई फाइनली से गैस भरने का भी काम चालू हो गया, वैक्यूम हो गया था। बल्ब ने क्या क्या नीचे से कुछ नहीं खोला, नीचे से डाल दिया ये खोला, बड़ी मुश्किल से निकला वो भी। अंदर आ रहे हो, पीछे 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 मैडम। टेम्परेचर होना अपने गाड़ी में। गाइस हो चुका है एसी का काम और कूलिंग आ रही है एसी न जाने कैसे। शिमला की ठंडी ठंडी आवाज़ जो होती है ना, बिल्कुल ये समझ लो वही निकल रही है इसमें से फिलहाल। और अभी भी काम थोड़ा सा चल ही रहा है और टेम्परेचर जो है इस समय बाहर का वो है 34।
मगर ये 34 फेल कर रही है समय। ओए भाई एकदम ठंडी ठंडी हवा और ये टेम्परेचर यहाँ पे एकदम लो है। देख लो ये था जो हमने लगा रखा था उसके अंदर, ये देखो 55.6 है, 5.6 टेम्परेचर आ रहा है, एकदम जबरदस्त कूलिंग कर रहा था गाड़ी। तो गाइस ये इसके अंदर से डाल रखा था तो ये अभी हमने निकाला है, तो ये टेम्परेचर अभी होल्ड हो रखा है। तो गाइस देख लो आप आइडिया लगा सकते हो कितनी कूलिंग कर रहा होगा इस समय। तो गाइस काम में तो आ गया एकदम मज़ा, और अब चलेंगे इसमें थोड़ी देर घूमने, फिर देखते हैं इसकी क्या बातचीत रहती है फुल मज़ा लेते हुए। देख लो ये ऐसे फिट था, टेम्परेचर बाहर का 34 ही है। तो गाइस फाइनली बम्पर की फिटिंग हो चुकी है चालू। बम्पर की फिटिंग हो चुकी है चालू, सारा काम हमारा हो चुका है, उसकी रिपोर्ट एकदम, कूलिंग एकदम ज़बरदस्त हो गई है, टेम्परेचर आ रहा था 5.6। गाइस आप समझ सकते हो कि इस इवेंट कितनी ज़बरदस्त कूलिंग दे रहा था। सड़ दिया दुनिया, दुनिया रुपये हो गया जूती फाइनली सारा काम हो चुका है, तो हमने मन बना लिया कि हम इसको वॉश भी करा ही लेते हैं। नॉट एट सुकून इन सनराइज सर्विस सेंटर पे ही होगी इसकी वॉश भी। मतलब मीन वाइल काफ़ी और गाड़ियों की भी चल रही है, क्रेटा वेन्यू i20। फाइनली गाड़ी जा रही है एक बारी रोड टेस्ट पे, जैसे पिछली बार गई थी, और वैसा कि होता ही है एक बारी गाड़ी का काम होने के बाद उसका फाइनल एक बारी देख लें कि कैसा हिसाब किताब रहता है। तो वैसे गर्मी है यहाँ पे ज़बरदस्त, एंट्री हो रही है भैया करते हैं गाड़ी ले जाने की। हेलो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं एक बार इसकी रोड टेस्ट के लिए, रोड टेस्ट क्या इसका एसी टेस्ट के लिए।
नींद आ रही है भाजी। एफसी भी नहीं है ऑफिसर के भी सबसे पहले एक दो तीन जिसमें से दो आएंगे और एक के पास जाना है। तो गाइस देख लो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखाया करो वीडियो में ठीक है, और कोई उल्टे सीधे कमेंट नहीं ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। हम आपको प्रोसेस दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं तो हो जाती हैं, हमसे भी हो जाती हैं, तो उस चीज़ को लेके हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। पाजी आपको कैसा लग रहा है, सेटिस्फाइड? तो गाइस आ गई। चलो गाइस मन की तसल्ली बहुत ज़रूरी है। हाँ गाइस देख लो गाड़ी के शीशों पे अभी कोई इसी तरह की कोई जाली नहीं है, कोई फिल्म नहीं है, और अभी हम जा रहे हैं एकदम NS24 के पास हैं हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए। वो बहुत मज़ा सा आ रहा है, ये समझ लो वीडियो बन रही है वरना मैं तो अब तक सो जाता। ये देखो गाइस थोड़ा सा ना ऐसे बंदे स्विफ्ट वाला जो ये बंदा है ना थोड़ा निकलते टाइम देख लेना चाहिए, वरना ये दूसरों को भी मरवाते खुद भी मरते ही हैं। ये देखो गाइस देख रहे हो ये होती है बातचीत। शोरूम पे गाइस सारा काम हो चुका है, टेस्ट ड्राइव गाड़ी की हो चुकी है, हम वापस आ चुके हैं शोरूम में और अब गाड़ी की हो रही है एक बारी वॉशिंग। देख लो गाइस आगे का प्रोसेस हो चुका है चालू, तो हम सुकून वाले पे ना जाके हम गाड़ी यहीं करा रहे हैं वॉश एक बारी अपनी। यहाँ की भी वॉश गाइस ऐसा कुछ नहीं है, होम वॉश से भी ज़्यादा अच्छी है इनकी वॉश। तो देख लो गाइस वेन्यू क्रेटा सारी गाड़ियाँ धुल रही हैं, यहाँ दो भाई लगे हुए हैं अपनी गाड़ी साफ करने में और आज पुराने वाले भैया दिख नहीं रहे। तो देखो गाइस पूरा एकदम कैडी वॉश की आती है यहाँ पे गाड़ी की धोने के बाद। तो गाइस देख लो फाइनली पड़ रही है, मैं तो कह रहा हूँ बाजी ऊपर चल के ना नई गाड़ी होती जैसे हमें आती है डिटेल वीडियो बनाने के लिए, अगर आपके यहाँ पे कोई है तो बंदा है ना वो सब ज़्यादा अच्छी रही है। नए बंदों को ना आते सुनाटा वरना इन सबका बहुत क्रेज है उनमें ना दी। देख लो गाड़ी की वेस्टिंग चल रही है दबा के एकदम सारी मिट्टी फार्म पार्क फोन के दिखा रही है ना वैल्यू। हाँ हाँ देखो भाई कटिंग देखो आप देखो ये रहो ये है ना बात ऐसे भाजी अपना कपड़ा भी धुलवा लो भाई से, अपना 3M वाला कपड़ा धुलवा लो भाई से, गदर हो जाएगा मामला। एक तो साफ है, अरे दोनों ही करवा लो दोनों दुखा दोनों हैं
ये मैं कीड़े निकाल देगा भाई। देखो आपको इनका प्रेशर चेक कराते हैं, कितना सड़ा प्रेशर है। देखो भाई प्रेशर, देखो प्रेशर, देखो पूरा साफ कर देता है ये प्रेशर, इतना सड़ा है। प्रेशर वाला पानी जिससे एकदम बढ़िया अच्छी चाहिए। ग्रीन वाल अंदर का गाड़ी का काम चल रहा है अभी, देख लो एक एक निकाल दिया। देख के ना एसी वेंट में भी मार देना, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही मार देते हैं। मगर मैं खड़ा हुआ था बस, इसने हमको थोड़ा परेशान कर दिया। पूरी एकदम जबरदस्त बातचीत आ रही है। मेरे को यहाँ पे सबसे अच्छा लगा था जब हमने पहली बार भी वॉश कराई थी, तो इसलिए हम एक बार दोबारा इसे वॉश करा रहे हैं। वैसे ज़्यादा कड़ा नहीं निकल रहा था, ज़्यादा पसंद है बच्चों के नाम भी तमिल जारी मेरे को। कौन गाड़ी तो घूम ही रही है जब से चेहरा देखा अलॉय अलॉय व्हील की बातचीत देखो गाइस कितने चेहरे लग रहे हैं भाई। फाइनली ये गाड़ी है, टैग निकाल ले तो गाड़ी कर चुकी है अपने एकदम फुल ऑन कैडी करके बातचीत। मेरे भी मन में आ रहा था गाड़ी धोने के लिए घर में वाला पाइप लगवा लूँ, पर घर वालों ने ना मना कर दिया। मैं बोल रहा था घर में भी लगवा लूँ प्रेशर वाला पाइप, घर वालों ने मना कर दिया यार। खाले कर चुके थे इमोशन वाला बन घर में सारे, हाँ घर में सारे वकील हैं तू, हाँ पापा ये भी वकील साहब घर पे हैं, इमोशन वाला। हाँ। Yes.
बोरिंग का पाइप लगेगा वैसे भी तो है ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, बल्कि हमने गलती कर दी गाड़ी बीच में खड़ी कर। भाई जी वही वाले रिम है जिसे हम कहते हैं रिम मेरे घूमते तो सड़के अपने पास स्टैंड होता ना यहाँ लगा के भाई को दे रखे ना यार पैसे, ये वाली पेमेंट होने का बहुत कुछ आज क्या तारीख हो भाई, ऐसा प्रेशर नहीं है ना मुंह से आलेगा ना फोम वॉश डालेगा, ये प्रेशर नहीं है भाई किसी का भी। तो भाई फाइनली देख लो शैम्पू वाला पानी पड़ रहा है, शैम्पू कह लो सर्फ कह लो जैसे आपको अच्छा लगे वो कह लो, पर काम चालू हो चुका है। देसी फोम वॉश पेंट पेंट तो खुद ही करा लेंगे तो वारंटी भी लेगा कौन। कह देना भाई हम तो 500 रुपये में करा के ला रहे हैं, तो भी करते 500 रुपये में ले ले गारंटी वारंटी।
काम कर रहा है, उससे कमाना शुरू करा गाड़ियों का ही काम कर रहा है। आई ट्वेंटी, कभी होंडा, कभी सेंट्रो, कभी स्विफ्ट। स्विफ्ट का तो ऐसा कुछ नहीं कराया, आई टेन। आई टेन जिसने हमारा कर दिया हर चीज़ टेन। आई टेन होंडा, आई टेन और होंडा ने कर दिया हमारा काम खराब। ये फिर हमारे पास आई आई ट्वेंटी और इन्हों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। ये होती ना बात, सिद्धू मूसे वाला के यहाँ पे ऐसे नहीं करते। करा लो एक साथ, क्या अलग अलग ही कर लेंगे। गाइस एक और खलीफा आ रही है, थोड़ा और खड़ा करना पड़ेगा। नई गाड़ी है ठीक है, गाइस फाइनली हो चुकी है, शैम्पू वॉश भी एकदम क्लीन। फाइनली गाइस टाइम आ गया गाड़ी उतारने का। फाइनली काम हो चुका है हमारी गाड़ी का, सारा फाइनल टचअप चल रहा है। टचअप होने के बाद आपको दिखाएंगे, एसी एकदम कूलिंग नहीं कर रहा है। हो चुका है हमारा काम फिर से एक बार एसी का, और हमारे साथ फिर से हैं प्रवीण भैया आज, और दूसरे सर हैं जिन्होंने हमारी पूरी हेल्प करी है, और भैया की गाड़ी है जैसा कि आप सब जानते हो। तो पाजी सेटिस्फाइड हो, गाड़ी का एसी आपने चेक करा,
बिल्कुल काम हुआ है, टाइम लगा है लेकिन पूरे सेटिस्फेक्शन से काम हुआ है। अच्छा, और तो, हाँ हाँ टेस्टिंग भी हुई है गाड़ी का, काम होने के बाद सेल्फ टेस्टिंग हुई थी। अच्छा, गाड़ी चली थी कम से कम 3-4 से 5 किलोमीटर, तो कूलिंग बेहतरीन थी, बहुत ठीक है। तो भाई फिर से हमारे साथ हैं प्रवीण भैया, जिन्होंने पूरी पूरी हमारी हेल्प करी है हमेशा की तरह, और आगे भी उम्मीद है ऐसी होती रहेगी। और गाइस आप सबको भी ऐसी सर्विस मिलेगी, नाम याद रखना प्रवीण भैया। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप इनको कॉल भी कर सकते हैं, अगर आप कॉल करेंगे तो आप नाम लेंगे तो आपसे बात भी करा देंगे, और साथ ही साथ आज सर ने भी हमारी हेल्प करी है। तो सर आप एक बार अपना नाम बता दीजिए। तो सर ने अपना नाम बता दिया है, सर का सारा एसी का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का सारा सर देखते हैं। तो सर थैंक यू आपका भी फॉर द बेस्ट सर्विस आपने जो दिया है, और फाइनली थैंक यू टू ऑल, प्रवीण भैया को भी थैंक यू है पूरा हमारा। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आते रहिएगा सनराइज हुंडई पे फॉर बेस्ट सर्विस। फाइनली हम निकल चुके हैं शोरूम से, तो गाइस कोई ऐसा फेक रिव्यू नहीं था, उनके सामने भी और उनके पीछे से भी गाड़ी बहुत ज़बरदस्त कूल कर रही है और काफ़ी अच्छा है, देख लो अगर आपको अच्छा। हाँ गाइस आपको एक जादू दिखाते हैं, ये देखो, देख रहे हो गाइस, ये ठंडी भी है, उसको ठंड लग रही है ना, वो कांप रहा है, ठीक है। तो ये हवा का भी फ्लो तेज हो गया, फुल सर्विस हो गया है, और बाकी बातचीत तो इसे कर लेते हैं दोबारा से ऊपर, हवा से ठंडा नहीं करेंगे ज़्यादा। तो गाइस देख लो बड़ी अच्छी अच्छी सी हवा आ रही है इसके अंदर से। अरे यार सामान रह गया, कौन सा